Today we are going to start with a new topic, that is rules are for everyone. So let's start. Can you tell? Question number one is, can you tell some traffic rules? इसमें ये बताया गया है students, अभी हम लोग बाहर जाते हैं गाड़ी वगैरह लेकर, तो traffic rules पता है ना हम लोगों को, तो वो रूल्स में ही हम लोगों को गाड़ी चलानी पड़ती है. ओके, नाउ सेकंड इज, गिव रीजंस व्हाई वी शुड ओबे दिस रूल्स. क्यों इन रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, इन रूल्स को मानना ही चाहिए. ओके, नाउ थर्ड इज, विच वन ऑफ दिस रूल्स डू यू फील नीड्स टू बी चेंज्ड. इन रूल्स में से कौन से ऐसे रूल्स है जो आप लोगों को लगता है कि उसे चेंज कर देना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ इज, व्हाट अदर रूल्स डू यू थिंक आर नीडेड फॉर बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक. और कौन सा रूल्स है जो ज़रूरी है हमारे ट्रैफिक में डिसिप्लिन लाने के लिए. ओके, वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट ट्रैफिक मूव्स स्मूथली. इन द सेम वे देर आर रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग. रूल्स नीड टू बी मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इफ वी फॉलो द रूल्स आवर डे टू डे लाइफ बिकम्स डिसिप्लिन्ड. वी कैन वर्क मोर इफिशियंटली. अभी स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि हम लोग ट्रैफिक का जो रूल्स है तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग फॉलो करते हैं. ओके, तभी ट्रैफिक जो है तो वो स्मूथली निकल जाता है. तो इसी तरह से कुछ सोशल लाइफ में भी रूल्स बताए गए हैं हर पर्सन को कि कैसे रहना चाहिए. ओके, अभी हर पर्सन को स्टूडेंट्स अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने के लिए रूल्स को स्पेसिफाई किया गया है. अगर हम लोगों ने इन रूल्स को फॉलो किया तो जो हमारी डे टू डे लाइफ है स्टूडेंट्स, तो वो बहुत डिसिप्लिन हो जाएगी. ओके, और हम लोग बहुत इफ़िशियंटली वर्क कर सकेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी. आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. वी मेक द रूल्स आवर सेल्व्स. वी फॉलो दिस रूल्स बिकॉज दे आर मीन्ट फॉर द कॉमन गुड. प्रॉपर चेंजेस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द रूल्स मेड फॉर अ सोसाइटी. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड द लॉस ऑफ नेचर. अभी हमारे स्टूडेंट्स सोसाइटी जो वर्क कर रही है तो वो किसी रूल्स के हिसाब से ही क्या करे स्टूडेंट्स, वर्क कर रही है. ओके, और हम लोग कुछ रूल्स अपने आप ही बनाते हैं. और ये जो रूल्स हैं तो वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि सब लोग अच्छे से रह सकें, इसके लिए बनाए गए हैं. अभी सोसाइटी के रूल्स और जो लॉस ऑफ नेचर हैं स्टूडेंट्स, तो वो दोनों अलग अलग हैं. ओके, नेचुरल ऑक्यूरेंसेस फॉलो लॉस ऑफ नेचर. वी कैनॉट चेंज द लॉस ऑफ नेचर. द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड द चेंज इन द सीजन्स नेवर स्टॉप. द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज. द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, द फेसेस ऑफ द मून, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अक्योर अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ नेचर. नेचर्स लॉस आर constant and fixed. They do not ever become outdated. However, human laws need to be changed with changing conditions. The laws followed in India under the rule of the British were different. When India gained independence, the situation changed and the laws of civil life changed accordingly. For example, after independence, the voting age was 21 years. After 1988, the voting age was lowered to 18 years. जो natural things हैं students, तो वो laws of nature को follow करती हैं. okay, और laws of nature को students हम लोग change नहीं कर सकते हैं. अभी ये जो सीज़न चेंज होता है, सनराइज़ होता है, सनसेट होता है,
तो क्या हम लोग इसे स्टॉप कर सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं कर सकते ना। सीज़न को हम स्टॉप कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं कर सकते हैं। रेनी सीज़न हो, विंटर सीज़न हो या समर विंटर हो, हम इन्हें स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो लॉस ऑफ ग्रेविटी है स्टूडेंट्स, उसे भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें क्यों होती हैं? लॉस ऑफ नेचर की वजह से होती हैं। ओके, नेचर के जो लॉस हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और फिक्स रहते हैं, वो कभी भी पुराने नहीं हो सकते। वो सदियों से स्टूडेंट्स ऐसे ही चलते आ रहे हैं। अभी पर्सन के स्टूडेंट्स जो लॉज हैं, तो वो कंडीशन चेंज होने के हिसाब से उनके लॉज भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जब इंडिया में स्टूडेंट्स ब्रिटिश लोग थे, जब हमारा कंट्री ब्रिटिश लोग का गुलाम था स्टूडेंट्स, तभी जो लॉज थे इंडिया में तो वो दूसरे थे। ओके, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया स्टूडेंट्स, तभी हमारे देश की सिचुएशन अलग हो गई, और जो लॉज थे सिविल लाइफ के तो वो भी चेंज हो गए ज़रूरत के हिसाब से। अभी जब देश आज़ाद हो गया था स्टूडेंट्स, उसके बाद में वोटिंग एज कितनी थी? 21 ईयर्स थी। ओके, फिर 1988 में जो वोटिंग करने की एज थी स्टूडेंट्स, तो वो 18 ईयर्स कर दिया गया था। ओके, ट्राई दिस, आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वॉट रूल्स वर फॉलोड ड्यूरिंग देयर टाइम एट स्कूल। मेक 3 कॉलम्स, वन ईच फॉर योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। एंटर द स्कूल रूल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ईच कॉलम एंड कंपेयर इट। डिस्कस विच रूल्स हैव चेंज्ड एंड विच हैव नॉट। अभी स्टूडेंट्स अपने जो पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो लोग जब स्कूल में जाते थे, तभी उस टाइम में क्या रूल्स थे? तो 3 कॉलम्स बनाइए। ओके, एक अपने लिए, और एक पेरेंट्स के लिए, और एक ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में क्या रूल्स है स्कूल में? आपके पेरेंट्स के टाइम में स्टूडेंट्स क्या स्कूल में रूल्स थे, और आप लोग अभी स्कूल में जाते हो तो क्या रूल्स हैं अभी? और आप लोग डिस्कस करो कि कौन से रूल्स चेंज हुए हैं और कौन से रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। ओके, पीपल ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड। हर एज के इंसान को स्टूडेंट्स नरिशिंग फूड मिलना चाहिए। ओके, डोंट गर्ल्स नीड एज नरिशिंग अ डाइट एज इज गिवन टू बॉयज एट होम, दे फील ओनली माई ब्रदर नीड्स गुड फूड। अभी कुछ हाउस में स्टूडेंट्स बॉयज को अच्छा खाने को देते हैं। ओके, और गर्ल्स को नरिशिंग फूड वगैरह देते नहीं हैं, बट गर्ल्स को भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए गर्ल्स क्या सोचने लगती है कि मेरे ब्रदर को ही अच्छे फूड की ज़रूरत है। कैन यू टेल, अ लिस्ट ऑफ रूल्स इज गिवन बिलो। ईच रूल हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस, सम रूल्स हैव मोर देन वन पर्पस। डिस्कस ईच रूल इन क्लास अंडर द हेडिंग दिस इज वॉट आई थिंक, नोट डाउन योर ओपिनियंस। हर एक रूल्स का स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ एक रीज़न है। ओके, एक कारण है। कुछ रूल्स जो हैं तो वो एक से ज़्यादा पर्पस के लिए बनाए गए हैं। अभी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन लिखिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोहिबिशन अगेंस्ट लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक प्लेसेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट। अभी स्टूडेंट्स जैसे कि कुछ फेस्टिवल है, कहीं शादी है, तो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े साउंड में लाउड स्पीकर्स लगाते हैं, तो रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स नहीं बजा सकते हैं। कहाँ पर स्टूडेंट्स? पब्लिक प्लेस पर। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन द रिवर। अभी जो गार्बेज है स्टूडेंट्स, तो लोग क्या करते हैं, उसे रिवर में डालते हैं, तो उसको भी रोकना चाहिए।
फोर्थ इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायोलेंस फॉर वुमेन। अभी स्टूडेंट्स वुमेन्स के ऊपर जो भी वायोलेंस हो रहा है तो उन्हें बचाना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ बैन ऑन चाइल्ड लेबर। कहीं कहीं पर स्टूडेंट्स क्या होता है, छोटे बच्चों को जिनकी एज 12 इयर्स या 13 इयर्स होती है तो उन बच्चों को स्टूडेंट्स काम करने को लगाया जाता है, तो इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। ओके, सिक्स पॉइंट इज़ बैन ऑन फैलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग। और ट्रीज़ को काटने में बैन लगाना चाहिए, हंटिंग करने में बैन लगाना चाहिए और पोचिंग करने में भी स्टूडेंट्स बैन लगाना चाहिए। ओके, वी फॉलो मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर लाइफ्स। वी फॉलो दोज ट्रेडिशंस बाय ऑब्जर्विंग आवर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स। देर आर सेवरल गुड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर सोसाइटी। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। वी वेलकम गेस्ट हु विजिट अस। हमारे लाइफ में स्टूडेंट्स बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशन हैं। ओके, तो इनके ट्रेडिशन को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे मदर फादर करते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं और जैसे कि हमारे रिलेटिव्स करते हैं, तो वैसे ही हम लोग हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। हमारे सोसाइटी में कुछ अच्छे कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, हम लोग स्टूडेंट्स फेस्टिवल सब लोग मिलकर मनाते हैं और जो भी गेस्ट हमारे हाउस पर आते हैं, हमारे घर पर आते हैं, तो हम लोग उन लोगों को भी वेलकम करते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है। आई हैव रिटर्न ऑल योर मनी, हाउ कैन आई स्टिल बी इन डेब्ट। ये स्टूडेंट्स इस पिक्चर में देखो, आपको ये मैन दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या कह रहा है कि मैंने आपके सारे पैसे रिटर्न कर दिए हैं, तो अभी भी आप बोल रहे हैं कि मेरे पैसे बाकी हैं, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पिक्चर पर आपको दिखाई दे रहा है ना। ओके, अब जो सेकंड पिक्चर है, इवन थ्रू आई वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलीडे इन अ मंथ, वाई डू यू पे मी सो लिटिल। इस पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको ये जो काम करने वाली वुमेन दिखाई दे रही है, तो ये क्या बोल रही है स्टूडेंट्स कि मैं सारा मंथ एक भी हॉलीडे किए बिना तुम्हारे हाउस में काम करती हूँ। जो स्टूडेंट्स आपको लेडी फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये काम करने वाली स्टूडेंट्स वुमेन उसी को कह रही है कि मैं सारा मंथ एक भी हॉलीडे किए बिना तुम्हारे हाउस में काम करती हूँ, तो भी तुम मुझे इतने कम पैसे क्यों देती हो, इतने कम पैसे क्यों मुझे देती हो। ओके, देखो आपको पिक्चर पर दिखाई दे रहा है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।